खाना तो मांगता ही है, खाना नहीं खाएगा तो खाना खिलेगा कैसे? ये पूरन पूरी है ना, वो घी के बिना अच्छा नहीं लगता है। जिसको घी खाने का आदत नहीं वो लोग ऐसा बोलेगा हम मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। मेरा बना हुआ मेरे को सब अच्छा लगता है। मेरा नाम उर्मिला बेन जमुनादास आसर है, मैं 77 ईयर की हूँ। मैं गिरगांव में KN भाटिया बिल्डिंग में रहती हूँ और गुज्जू बहन का नाश्ता बनाती हूँ। बचपन में मेरी मम्मी ने मेरे को पूरनपुरी बनाना सिखाया था और अभी भी मैं पूरनपुरी बनाती हूँ। और मेरी ऐसे अच्छी पूरनपुरी बनती है कि सब लोग जो हमारे गुज्जू बहन का नाश्ता मंगाते हैं और उसको सबको पसंद आई है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं पूरनपुरी कैसे बनाती हूँ और आप भी बनाना। पहले मैंने गैस ऑन किया है और इसमें डाला है दाल जो मैंने उबाल के रखी थी, वो दाल मैंने डाल दी है। मैंने इसमें 3 बाउल तुअर का दाल दिया है और उसको उबाल के मैंने रखा है। मैंने तुअर की दाल को 4 सीटी दी थी और मेरे को लगा अच्छा ये हो गया है, तो फिर मैंने गैस बंद करके तुअर का दाल को इधर पूरनपुरी बनाने के लिए ले लिया। नमक नहीं डालने का तू दाल में, खाली ऐसा ही वाफ लेने का। पहले मैं दाल को हिला लेती हूँ, उसके बाद में उसको गुड़ डालने का है वो डालती हूँ मैं। आधा किलो से थोड़ा कम, 400 ग्राम डालेगा तो चलेगा। मैं आधा गुड़ डालती हूँ, थोड़ा शक्कर डालती हूँ, गुड़ ज़्यादा शक्कर थोड़ा कम। ये दाल को हिलाने में और गुड़ इसमें मिक्स होने में आधा घंटा लगता है, तो मैं अभी उसको हिला रही हूँ। लेकिन उसका अपने को देखने का है वो नीचे जल नहीं जावे, उसका खास ख्याल रखने का है, वो जलना नहीं मांगता है नीचे। इसमें से 20 से 25 पूरनपुरी हो सकती है। पूरनपुरी बनाने का कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार ये तैयार हो गया फिर अपन जैसे चपाती बनाता है वैसे ही पूरनपुरी बन जाती है। इसमें 1 वाटी शक्कर डालने का है तो वो मैं डाल देती हूँ। वैसे वो शक्कर से भी बनती है लेकिन गुड़ हेल्दी है तो उसके लिए मैं गुड़ का उपयोग ज़्यादा करती हूँ। मैं पूरा गुड़ ही नहीं डालती हूँ, कलर में भी थोड़ा फर्क हो जाता है, उसके लिए मैं थोड़ा शक्कर डालती हूँ और थोड़ा गुड़ डालती हूँ जिससे वो काला नहीं हो जावे। गुड़ और शक्कर डालते हैं तो दाल वापस पानी पानी हो जाता है, गुड़ का भी पानी छूटता है शक्कर का भी पानी हो जाता है, उसके लिए उसको ज़रा देरी लगता है। एक थोड़ा चम्मच घी डालने का तो अच्छी तरह से वो नीचे भी नहीं चिपकेगा और साइड में भी अच्छा निकल आएगा और उसका चमक भी ज़्यादा आएगा। ये पूरनपुरी है ना वो घी के बिना अच्छा नहीं लगता है। जिसको घी खाने का आदत नहीं वो लोग ऐसा बोलेगा हम मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं है। इतना इसमें क्या है, खाली दाल और गुड़ है, तो दाल और गुड़ दोनों पौष्टिक है, तो उसके लिए कुछ मोटा होने का कुछ है ही नहीं। और अभी इसको है ना ये जैसा घट्टा हो जाता है ना, घट होता है ना, तो उसको कंटिन्यू चलाना मांगता है और आजू बाजू से ये सब निकाल लेना मांगता है। अभी मैं इसमें केसर डाल दूंगी जो मैंने भिगा के रखा है वो। अपन जब पूरनपुरी करने को बैठते हैं ना तभी भिगा के रखने का केसर। और इसमें ये जो मैंने इलायची और जायफल का पाउडर मैंने रखा है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। हरी इलायची का ऊपर का छिलका निकाल के जो दाना रहता है ना वो जायफल के साथ पीस लेने का और उसमें थोड़ा शक्कर डालने का, तो उससे इसका कलर भी अच्छा लगता है, सफ़ेद कलर आता है और खाने में भी अच्छा लगता है और वो बहुत टाइम तक उसका सुगंध नहीं जाता है। अभी इसको कंटिन्यूस घुमाने का है, खास क्या ध्यान रखने का नीचे जल नहीं जावे वो उसका ख्याल रखने का, ऐसा रखने का जब खड़ा रहेगा तब समझने का वो अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देरी है। अभी देखा आपने पहले कैसा हुआ था, अभी कितना घट हो गया है वो। अभी ये देखो मेरा पूरन तैयार हो गया है, अभी मैं उसको ठंडा करने को रखती हूँ। अभी ठंडा हो जाने के बाद उसको थोड़ा फ्रीजर में रखना जरूरी है क्योंकि फ्रीजर में वो ज़्यादा घट हो जाएगा तो आपको पूरनपुरी बनाने में आसानी रहेगी और आप ज़रूर ऐसा मेरे जैसा पूरनपुरी बनाने का ट्राई करना। अभी मैं आपको पूरनपुरी कैसा बनाना वो आपको बताती हूँ। अपने घर में जो चपाती का आटा बनाते हैं वैसा ही वो आटा लेने का, गूंद लेने का और उसमें से ही पूरनपुरी बनती है। इतना सा थोड़ा आटा ले सकते हो, बाद में उसको बेल के आप इसमें पूरन भर सकते हो। अभी ये मेरा पूरनपुरी तैयार है, उसको मैं तवे पे डालती हूँ।
देखो आप मेरा पूरन पूरी देख सकते हो कितना अच्छा फूल के हुआ है, रोटी के जैसा फूल जाता है। ये अपना पूरन पूरी तैयार है, देखो ये मेरा पूरन पूरी तैयार। उस पर अच्छी तरह से घी लगा के आप भी खाओ और आपके परिवार को भी खिलाओ। लो मेरा केसर वाला पूरन पूरी तैयार।